तो मैं किचन में आ चुकी हूँ और पता है आप लोगों को आज आ रही है नीता। तो नीता का सुबह आ गई थी मैसेज, तो कह रही थी चीना फुक्को, मुझे वैसे चीना फुक्को भी कहती है मेरी भतीजियाँ, तो मुझे वही जहन मेरा, तो वो कहने लगी सिदर फुक्को आज हम आपके घर आएंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया हर काम। ये देखिए मेरा काम हो रहा है किचन में, अभी लाइट तो गई हुई है मगर मुझे काम करना है फाइनली। तो उनकी पसंद का खाना है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं, हमारे देखने वाले जहाँ जहाँ भी उम्मीद करती हूँ खैरियत हो, आमीन। तो आज हमने बताया दिया आपको, आज आ रही है निदा फैमिली हमारे घर। तो आप लोगों का कहना होता था आप लोग निदा को क्यों नहीं बुलाती, तो आज फाइनली आपकी मुलाकात होने वाली है 5 से 6 बजे निदा की मुलाकात हमारे घर। और आप लोग मेरी आवाज़ को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अल्लाह पाक ने मुझे इतना बख्शा हुआ था कि मैं मिलाद शरीफ पढ़ा करती थी, तो इतनी ही खूबसूरत आवाज़ है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। प्यारी सी आवाज़ पर भी अच्छे से कॉमेंट क्या करें, तो जिसको अल्लाह पसंद करता है उसे बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ चुके होंगे, और अगर आपको मिलाद पढ़वाना है सिदरा किचन से तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपके घर इतना प्यारा मिलाद पढ़ूंगी कि आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इस मालिक का। तो चलें बातें यहाँ ख़त्म करते हैं और तैयारी करते हैं खाने बनाने की। खाने में क्या क्या बना रहे हैं सब आपके साथ वीडियो को करते हैं शेयर। जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि ये देखें अभी किचन हमारा फैला हुआ है। आज ये इधर कटोरा भी रखा है रोटी का, और इधर भी सारा काम फैला हुआ है, तो मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। आज निदा की कॉल आई थी, कहने लगी कि आज हम फुप्पो आपके घर आ रहे हैं, तो ये भी मुझे जल्दी से सारा बफेड़ा को समेटना है। और ये मैंने गोश्त निकाल लिया, लोग बड़े बोलते हैं भाई गोश्त तो धो लिया करो, बगैर गोश्त धुले तो कोई इंशाल्लाह पकाता ही नहीं होगा। तो ये मैं गोश्त भी निकाल लिया है, गोश्त में क्या बनेगा। और ये मैंने निकाल लिया है चिकन, मैंने आप लोगों को दिखाया था ना, ये मैंने चिकन भी निकाल ली है, और मुझसे अच्छा तो शायद कोई धोता भी नहीं होगा, तो बताना पड़ेगा आप लोगों को। ये सारा काम समेटा है और आगे चलती हैं, और ये पानी की बोतलें वगैरह भी भर के रखनी है। ये बिल्कुल कीले वाला कमरा तो आपको पता है साफ़ रहता है, बिल्कुल न्यू साफ़ सुथरा रहता है, फिर भी अच्छे से तो इसको डस्टबिन करनी है क्योंकि आज निदा फैमिली हमारे घर आ रही है। उन्होंने कहा है कि भाई जल्दी जल्दी इंशाल्लाह ताला शाम तक आपके घर पहुंचेंगे, तो मैंने कहा फटाफट से खाने तैयार कर लेती हूँ। और मैं फटाफट निकाल लेती हूँ छोले, क्योंकि उनको छोले दही बड़े भी बहुत फेवरेट है, मैं दही बड़े छोले ही बना लेती हूँ, नेहा को भी भेजूँगी। तो आप लोग कहते रहते हैं कि भाई ऐसे बनाती हैं, भाई जब घर वाले बात करते हैं फैमिलीज तो सारी बातें होती हैं। काम कर लेते हैं, क्या क्या खाने बना रहे हैं सब आपके सामने शेयर करते हैं। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ, और पता है आप लोगों को आज आ रही है नीता। तो नीता का सुबह आ गई थी मैसेज, तो कह रही थी चीना फुक्को, मुझे वैसे चीना फुक्को भी कहती है मेरी भतीजियाँ, तो मुझे वही जहन मेरा, तो वो कहने लगी सिदर फुक्को आज हम आपके घर आएंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया हर काम। ये देखिए मेरा काम हो रहा है किचन में, अभी लाइट तो गई हुई है मगर मुझे काम करना है फाइनली। तो उनकी पसंद का खाना है, उन्होंने कहा था सिदरा फुक्को हमें चाहिए, बीफ निहारी बहुत मज़े की लगती है, और बनाना पुलाव। तो इंशाल्लाह आज बीफ की बिरयानी मैं बना ली हूँ निहारी, और बनाऊँगी पुलाव, चिकन का पुलाव बनाती हूँ या बिरयानी, और छोले दही बड़े तो फेवरेट है इंशाल्लाह। जैसे ही सारे काम अभी तो स्टार्ट करें, जैसे फाइनली खाना तैयार होगा आपके सामने ज़रूर दिखाऊंगी, और उनसे भी पूछेंगे भाई आपको खाना कैसा लगा। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम काम, और टाइम बहुत कम है, पता है आप लोगों को बीफ की बिरयानी बीफ की निहारी बड़ी देर में तैयार होती है। तो खाना हमारा हो रहा है, काम कर लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से कह रही थी आने का, तो आज फाइनली आने लगी, तो कह रहे लगी उसको लहसुन, तो ये मैंने अदरक लहसुन ले लिया। इतनी आपको पता था जब भाई वगैरह भी आए थे तो उनको भी बहुत पसंद थी मेरे हाथ की निहारी माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा भाई हम भी बीफ की निहारी खाएंगे, मेरी फेवरेट है, तो भाई आज हमने उनकी फेवरेट डिश बनाने रख दी है। तो चलें ये कर लेते हैं, और हम भी फ्रिज से निकाल लेते हैं मसाला। मैं सामने दुकान पे गई, मैंने जल्दी से निहारी का मसाला लिया, और कुछ घर के मसाले डालती हूँ, आप लोगों को तो पता है ना मेरे घर के मसाले, मैंने आप लोगों को बताया था बना के ये आधा घर का डाला करें और आधा बाजार का, इसके लिए निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये देखिए इस तरह, अब थोड़े से मसाले को भूनेंगे, फिर हम पानी डालेंगे, फिर लुक हम जब दिखाएँगे तैयार होगी किस तरह की निहारी होगी। चले आप अभी हम रख लेते हैं कवर अप कर लेते हैं, और जो बाकी सारा काम है वो भी कर लेती हूँ। इधर सारा खुला हुआ, ये देखें ये मैंने छोले ना भिगो के रखे, बहुत दूर से भिगाऊंगे मैं, करीब से आ जाते हैं। ये मैंने छोले भी भिगोए हुए, छोले वगैरह सब रख देती हूँ,
जल्दी काम करना है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। निहारी मैंने चढ़ा दी है, बॉयल आएगा, इसको मैं कवर अप कर रही हूँ। साथ साथ छोले भी बॉयल करने रख चुकी हूँ और छोले जैसे बॉयल होते हैं, बॉयल तो आ चुका है, अब इसको मैं कर देती हूँ कवर अप और फिर दही बड़े वगैरह बनाएंगे। ये मैं साबुदाना बना के पीऊँगी और यहाँ पे भी माशाल्लाह से सालन रेडी हो चुका है। ये देखें आलू मटर कीमा, ये तो हस्बैंड का है, वो बेचारे खाते नहीं बिरयानी को और मैं निहारी, तो ये भी सारा काम हो चुकेगा फटाफट से। हम जैसे हमारे घर मेहमान आएंगे वेलकम करेंगे इंशाल्लाह। 5 बजे आप लोग से होगी उनकी मुलाकात, 5 से 6 बजे मुलाकात हो जाएगी और कमरा भी हमारा साफ़ हो चुका है। अभी गुलदान के फूल लगाती हूँ, तो इंशाल्लाह चलें आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। मैं ये वाली रूम की भी फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। जब मैं सुबह सो के उठी, नाश्ता वगैरह से फारिग हो चुकी थी, तो निदा का कॉल आ गई थी कि आज हम आपके घर आएंगे, मैसेज पे ही बात हुई थी क्योंकि उनको कहीं अभी और भी जगह जाना है, तो उन्होंने फाइनली मुझसे कह दिया था, तो फटाफट से मैंने कर ली तैयारी। और ये बच्चों की छालियाँ रह गई, ये यहाँ रख देते हैं इस पर। और ये हमारा छोटा सा काउंटर है जिसपे हम ये अपना ये वाला मोबाइल वगैरह गेयर रख देते हैं चार्ज करने। और ये मोबाइल है भी न्यू हमने लिया है पंखा, तो इसका ये चार्ज है रिमोट कहते हैं, तो रिमोट है फटाफट से। और ये कर लेते हैं इधर की भी डस्टिंग वगैरह फटा, ये काम कर लेते हैं। और वाले कमरों की तो सफाई हो गई थी, मैंने कहा चलो इसकी भी कर लेती हूँ। और बच्चों का ये सामने झूला है, तो अभी बच्चे आएंगे ये भी झूला भी झूलेंगे और दिखाएंगे अयान का भी झूला कैसे झूलेंगे, बड़े मज़ा आएंगे बच्चों को। आपने देखा था सुहान ने कितना अच्छा मज़ा कर रहा था, इंजॉय कर रहा था इस वाले साइड पर। तो इधर की भी हम जल्दी से करते हैं सफाई, फिर आपसे मिलेंगे मेहमानों के साथ।